राजेश मोहानिया के खिलाफ, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ और उस ठेकेदार के खिलाफ जिसकी कारगुजारी के कारण 50 लाख रुपए का नुकसान रतिया मार्ग के एक नौजवान का हुआ है, उसके खिलाफ एक पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई है। संगम बिहार के अंदर आपके इस सेवक ने, भारतीय जनता पार्टी के इस सिपाही ने, मैं ना कल डरा था ना आज डरूंगा और ना कल डरने वाला। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपको विस्तृत रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में, दिल्ली के बारे में, देश के बारे में आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन संगम विहार कोई दिल्ली के बाहर का क्षेत्र नहीं है। अगर नई दिल्ली में बढ़िया पार्क बन सकता है तो मेरे संगम विहार में भी बढ़िया पार्क बन सकता है। अगर नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आ सकती है तो मेरे संगम विहार के इस छोर पर भी मेट्रो ट्रेन आ सकती है। मुझे जिंदाबाद की आवश्यकता नहीं है, मैं दिल्ली का विधायक रहा हूं, मुझे जनता की समस्याओं से जूझना आता है। मैं 5 साल देवली और संगम विहार का विधायक रहा हूं, मैंने वहां पर जनता की समस्याओं के साथ न्याय भी किया है और मुझे ये खुशी है आज ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार के अंदर ये कार्यक्रम मुझे क्यों करना पड़ा। सरकार का बनाया हुआ बारात घर जो आपके सामने है, वो सामने है। उस बारात घर के अंदर जाने के बाद गंदगी के ढेर देखने को मुझे मिले, मैं तो वहां कार्यक्रम करना चाहता था। सरकारी बारात घर के अंदर आपके विधायक को आने का टाइम नहीं है तो आप वहां पर सरकारी बारात घर के अंदर ब्याह शादी क्या करोगे, जन्मदिन क्या मनाओगे, जब आपके विधायक के पास सरकार के दिए हुए बारात घर को साफ सफाई करने तक का समय नहीं है तो वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या सफाई करवाएगा। इसलिए मैं श्री रामचंद्र जी का और उनके पूरी इस जमात का मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि